अब हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। आइए देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया, अभी तुरंत अभी मैंने आपको बताया कि हम सॉलिड को, अभी मैंने बताया कि सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और इसको हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है भाई, गैस में चेंज हो जाता है। क्या बताया मैंने कि सॉलिड को चेंज हीट किया हमने, लिक्विड में चेंज हुआ, और लिक्विड को हीट किया, गैस में चेंज हुआ। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस को कूल करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वही क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। कुछ सब्लिमेटरी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कैम्फर हो गया, कपूर हो गया। घर में पूजा पाठ तो होता होगा, देखते होंगे आप, जब कपूर जलता है, कैम्फर जलता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। वो क्या है, हमारे सब्लिमेटरी सॉलिड है। सॉरी। और नेफ्थलीन बॉल, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल भी क्या है, सब्लिमेटरी सॉलिड है। जिसको हीट करने में डायरेक्टली क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। और कूल करेंगे तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सब्लिमेशन लिखा हुआ है, देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, ठीक है, ऑन हीटिंग, एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग, इन नोन एज सब्लिमेशन। यानी कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको हीट करने पर डायरेक्टली क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होता है, और कूल करने पर डायरेक्टली क्या होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम बात करें, अगर लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, अगर सब्लिमेशन में क्या होता है, और इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोसेस क्या है, हीट करने के बाद सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्या होगा, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। इसको हम वेपर भी कह सकते हैं, गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी कि हीट वापस लेते हैं, कूल करते हैं, तो किसमें चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है, हीट करने पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस, और कूल करने पे गैस से डायरेक्टली सॉलिड में। यही क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब एक चीज़ हमें और पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास नाइन्थ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं उस टॉपिक पे। तो आज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला हूँ भाई, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। मिटा दूँ इसको, लेटेंट हीट क्या होता है, आप समझिए, बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा आपको लेटेंट हीट को लेकर के। कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि भाई लेटेंट हीट होता क्या है। लेकिन आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, बिकॉज आप यूनिक पे हैं तो आपको यूनिक ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बताया मैंने, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। देखो मैं इसका हिंदी नाम भी बताता हूँ, इसका नाम हिंदी में बोलते हैं इसे गुप्त ऊष्मा। नाम हिंदी में क्यों बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें उससे समझ में आए। गुप्त मतलब छिपा हुआ, यानी कि लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है, लेटेंट मीन्स हिडन, हाईलाइट कर दिया मैंने। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी कुछ ना कुछ छुपा के रखा है। क्या छुपा के रखा है, ये देखते हैं। देखिए लेटेंट हीट का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर आप लोग को मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सपोज दैट हमने क्या लिया, हमने वाटर लिया, एक वेसल में हमने क्या किया, वाटर लिया। क्या लिया भाई, सबसे सस्ता और टिकाऊ, हर जगह उपलब्ध क्या है, हमारा पानी है। हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, किसी फ्यूल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। सबसे पहले हीट करने से पहले वाटर का टेम्परेचर हम मेजर कर लें। हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर से वाटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमने मेजर कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। फिर मेजर किया हमने, देखा अरे तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर मेजर किया कुछ देर बाद, देखा 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। हम बहुत कुछ की टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब एक टाइम पे मेजर किए हम, तो हमारा जो टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी थर्मोमीटर से हमने मेजर किया तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ। हम पानी को नीचे से हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब टेम्परेचर मेजर किए लास्ट में, तो कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब कुछ देर बाद
हम जब टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो टेम्परेचर हीट तो जा रहा है, कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर को दिया जा रहा है, बट क्या हो रहा है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है भाई, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। हम कितना भी हीट दे रहे हैं टेम्परेचर 100 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, 100 पे ही अटक गया है, रुक गया है। कितना भी टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉरी कितना भी हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब सोचो जो टेम्परेचर दे रहे हैं हम लोग, जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। आपको पता है कि वाटर को हम हीट करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, ये गैस में कन्वर्ट होगा। अब देखो जो पार्टिकल्स होंगे, अब जो हीट जो क्या काम कर रहा है, देखो जो हीट तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है तो कुछ और काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जो ये हीट होता है इसका काम क्या होता है कि जो वाटर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको क्या करता है, कम करता है। यानी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रहा है, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर रहा है, उनके जो फोर्सेज हैं उनके बीच में उनको दूर करने का काम कर रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ये दूर कर रहा है, जिससे ये क्या हो रहे हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि हीट जो जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यानी कि ब्रेक करने में काम आ रहा है। वही जो हीट है वही क्या हमारा लेटेंट हीट है, यानी छुपी हुई ऊष्मा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, दूर कर रहा है, जिससे क्या हो गैस में इजीली कन्वर्ट हो जाए। यही हमारा क्या है, लेटेंट हीट है। क्लियर हुआ, जो लेटेंट हीट है आपका, जो लेटेंट हीट है आपको भी दो प्रकार का है, टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी ये भी कितने प्रकार का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी दो प्रकार का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दूसरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो रहा है, लेटेंट हीट भी दो प्रकार का, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। देखो नाम से क्लियर है वेपराइजेशन और नाम से क्लियर है फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए समझिए एक चीज़ को, जो भी मैंने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि जो हीट है वो किस किस काम में आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, तोड़ रहा है, जिससे क्या हो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट लगता है वही क्या हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होने के लिए जो हीट लगता है वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक एग्जांपल दे दे आपको। मान लो हमारे पास क्या है, एक आइस का टुकड़ा है। क्या है भाई, बोलते रहो आवाज़ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। ठीक है, अब देखो आइस कैसे बोलना है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्या। चलिए कोई बात नहीं, आइस हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, आइस का ले रहे हैं। अगर हम इसमें सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होता है, अगर हम आइस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, अगर आइस को हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देते हैं, तो क्या होगा, गर्म होगा या नहीं होगा, ये क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं आइस के पार्टिकल्स हैं देखो क्या टाइटली बॉन्डेड हैं। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, जो लेटेंट हीट होगा क्या करेगा, इसको जो पार्टिकल्स हैं पास है तो क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। यानी जो हीट हम देंगे कहाँ कहाँ आएगा, ये काम टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं करेगा, ये टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो पार्टिकल्स हैं आइस के उसको ब्रेक करेगा, जिससे लिक्विड में इजिली कन्वर्ट